ऑलमोस्ट 3-4 बार उसके साथ हो चुका है कि कोई आता है उसकी गाड़ी तोड़कर चला जाता है। और दुकान तो लूटने के लिए आए आए साथ में जो बंदा वहां पर काम करता है उसको मारकर भी जाते हैं, पीट कर भी जाते हैं। हेलो एवरीवन, आज तारीख हो रही है यहाँ पर 31 अक्टूबर और रात के यहाँ पर बज रहे हैं कुछ 10, और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, अपनी पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ न्यूजीलैंड छोड़ने की। बिल्कुल सही सुना आपने, पता भी नहीं चला कि 3 हफ्ते यहाँ पर कैसे निकल गए और कैसे टाइम निकल गया फैमिली के साथ। लेकिन अभी समय आ गया है यहाँ से निकलने का, आगे बढ़ने का, क्योंकि अगर जाएंगे नहीं फिर वापस कैसे आएंगे, है ना। और अभी हमने जाना है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की बस मैं अभी पैकिंग वगैरह डन कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे सारा कुछ हो रहा है और क्या सीन है। एनीवेज वेलकम बैक टू कन्नड़ व्लॉग, यू नए आए हैं मेक श्योर को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताओ कैसे लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो अभी देखो कितना खलारा पड़ा हुआ है नीचे, ये सारा का सारा सामान मेरा है। अभी मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में बस घूमने के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ पे मैं कुछ टाइम के लिए रहूंगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो मेरा प्लान है ना, वहाँ पर है सिर्फ घूमने का प्लान। तो वहाँ पर मैं मेलबर्न जाऊँगा यहाँ से ऑकलैंड से। अभी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मैं सिर्फ ये वाला एक बैग लेकर जा रहा हूँ, और एक सिर्फ ये वाला बैग लेकर जा रहा हूँ, अपना लैपटॉप बैग। अभी 1:14 हो गए हैं और गर्मियाँ बस ऑलमोस्ट आ ही गई हैं यहाँ पर, अभी भी टेम्परेचर ना गर्मियों का ही है। और आज यहाँ पर ऑकलैंड में मैं जा रहा हूँ जरा मॉल वगैरह घूमने के लिए, पहली बार जा रहा हूँ, पहली बार मतलब यहाँ पे ड्राइव करने लगा हूँ। गाड़ी के पीछे भी खड़ी हुई है जो बड़ी वाली गाड़ी है मेरे भाई की, और ये वाली है उसकी काम वाली गाड़ी, लेकिन मैंने कहा मैं इसी में जाऊंगा, मैं बड़ी वाली गाड़ी नहीं चलाऊंगा। जैसे हमारे कनाडा में लेफ्ट साइड स्टीयरिंग होता है, यहाँ राइट साइड स्टीयरिंग होता है। और टेम्परेचर देखो बाहर 21 डिग्री हो रहा है, 22 डिग्री तक जाएगा, मतलब गर्मी बहुत है। ओके, तो अभी अभी बस पहुंच चुका हूँ यहाँ पर, और अपनी गाड़ी करते हैं बंद और चलते हैं अंदर। अब थोड़ा सा सामान लेना है आज। एक मैंने अपने पापा के लिए नाइकी का ट्रैक सूट लिया है, ये ब्लैक कलर का, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ लेकर आया हूँ। अगर इससे भी कुछ बढ़िया मिला तो फिर ये रिटर्न करके वो ले लेंगे। और अगर आपको प्राइस के बारे में जानना है तो यहाँ पर जो कपड़ों के प्राइसिंग वगैरह है, दैट इज एवरेज आप कह सकते हो, या फिर थोड़ा सा कह सकते हो ऑलमोस्ट सेम है कनाडा के, क्योंकि नाइकी के कपड़े वैसे महंगे आते हैं। और ये जो पूरा का पूरा ट्रैक सूट आया है पजामा और अपर वगैरह मिलाकर, तो आप दोनों डिफरेंट भी ले सकते हो, लेकिन दोनों 300 न्यूजीलैंड डॉलर के आए हैं, और 1 न्यूजीलैंड डॉलर ऑलमोस्ट 48-49 रुपीज इंडियन रुपी होता है। और अगर कनाडा के हिसाब से देखा जाए 1 न्यूजीलैंड डॉलर 80 सेंट्स का होता है। तो 300 डॉलर का ये आया है ट्रैक सूट एक पूरा का पूरा नाइकी का यहाँ पर। और आज की वीडियो में ना हम थोड़ा सा यहाँ न्यूजीलैंड में क्राइम के बारे में बात करेंगे कि मुझे ये सिटी कितनी सेफ लगी, कितना क्राइम है यहाँ पर और क्या है। देखो आज हमारी किस्मत बढ़िया है कि बाहर इतनी बढ़िया धूप निकली हुई है, नहीं तो यहाँ पर हमेशा बारिश ऑलमोस्ट होती ही रहती है। और एक और चीज आपको हैरान करने वाली बताऊं, यहाँ पर न्यूजीलैंड में कोई भी ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है। यहाँ पर ये लिखा है ना स्पार्क, दिस इज अ स्पार्क नेटवर्क, जो यहाँ पर नेटवर्क है जिसका, जैसे ANZ हो गया, इन्हीं के पास होते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है न्यूजीलैंड में। सो यहाँ पर ना न्यूजीलैंड में जो आपको सबसे बड़ा स्टोर मिलेगा वो है सामने JD। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के कपड़े एक ही जगह पर मिल जाएंगे, और ये मुझे काफ़ी बढ़िया स्टोर लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पड़े होते हैं, स्पेशली नाइकी के। देखो मैंने ये भी JD से लिया हुआ है ट्रैक सूट। देखो सारे के सारे कपड़े जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे नाइकी के हैं, यहाँ से शुरू हो रहे हैं नाइकी के शॉर्ट्स, नाइकी के लोअर्स, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, और यहाँ आ गए सारे के सारे ट्रैक सूट्स। तो अभी आ गया यहाँ पर एडिडास आ गए। अब ये जो एडिडास की एक टी शर्ट है, दिस इज $60, दिस इज $470, बहुत ज़्यादा महंगा है, ये तो नाइकी से भी महंगा है। और यहाँ तक कि यहाँ पर बॉस के भी लगे हुए हैं लोअर वगैरह, देखो जैसे ये वाला ऑफर पर लगा हुआ है, वैसे इसका प्राइस होता है $219, लेकिन आज लगा हुआ है $140 का। बॉस के कपड़े बहुत महंगे आते हैं, सारे के सारे बहुत महंगे आते हैं। और यहाँ पर ये हुडरिच भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने मे भी सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग्स में देखा होगा वो पहनता था। ये मैंने पहली बार देखा यहाँ पर आकर, मैंने कनाडा में कभी देखा नहीं था ये वाला ब्रांड। ये है $90 की द नॉर्थ फेस। नॉर्थ फेस बहुत ज़्यादा महंगा ब्रांड है, नाइकी से भी ज़्यादा महंगा है ये वाला, 200-300 की होगी जितना मेरा गैस है, बाकी प्राइस चेक करते हैं। यार देखा मेरा गैस था कि 200-300 के बीच में होगी जैकेट, एंड इवन आफ्टर द ऑफ द प्राइस इज $320, वैसे $530 की थी। कमाल है, देखो नाइकी एयर
और ऑफर लगा हुआ है, वैसे 170 का होता है बट नाउ इट इज फॉर $90। अब इसके साथ साथ थोड़ी सी क्राइम रेट की भी बात कर लेते हैं। मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो मैंने गूगल पे रीड किया, मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने यहाँ पे सुना है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे भाई के यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो उनसे बातें वगैरह होती रहती है। उन्होंने बताया कि वो एक दिन आया घर पे और उसने गाड़ी मेरे भाई के घर के बाहर खड़ी की और बाद में उन्होंने सुबह जाकर बाहर देखा, बाहर से गाड़ी गायब थी। अब दूसरी बात जो आपको बताऊं, यहाँ पर कार ब्रेकेज बहुत होती है, मतलब डैमेज बहुत करते हैं कार्स को। अब मेरे भाई का एक फ्रेंड था, वो उसने बताया कि वो अपने गली के बाहर वो अपनी गाड़ी खड़ी करता है, वो मेन रोड है। ऑलमोस्ट 3-4 बार उसके साथ हो चुका है कि कोई आता है उसकी गाड़ी तोड़कर चला जाता है। ये सिर्फ उसी के साथ नहीं है, और भी बहुत लोगों के साथ होता है। उसकी गाड़ी की जैसे मिरर वगैरह तोड़ दी है, गाड़ी चोरी नहीं करते, मिरर वगैरह तोड़ दी है, गाड़ी तोड़ दी, ये सारा कुछ होता है उसके साथ, ठीक है। अब उसके भाई के साथ भी ऐसा हुआ, उसके भाई ने अपनी गाड़ी बाहर खड़ी की थी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कोई आया और उसकी सारी की सारी गाड़ी तोड़कर चला गया। तो ऐसा भी होता है यहाँ पर। देखो न्यूजीलैंड में भी इन्होंने दिवाली के बारे में बताया हुआ है, बट इस दिवाली काफी बढ़िया बनाया हुआ है, लुक्स गुड। तो अभी मैं रेडियो सुन रहा था, रेडियो में भी ना हिंदी में बात कर रहे थे, हिंदी में नहीं मतलब हिंदी के साथ साथ एक और लैंग्वेज यूज कर रहे थे, पता नहीं क्या नाम है उसका। अब यहीं पर ना न्यूजीलैंड के साथ में एक आइलैंड है जिसका नाम है फिजी, मैं भी आपने सुना हो फिजी के बारे में। अब जो फिजी के लोग हैं ना वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इंडियन है, जो पुराने समय में इंडिया से गुलाम लेकर आए थे तब वो वाले गुलाम उन्होंने फिजी में छोड़े थे। अब जो उनके आगे जनरेशन चल रही है ना वो सारी की सारी हिंदी बोलती हैं और वो सारे हिंदू हैं, वहां पर मंदिर बने हुए हैं, जो पुराने एंसेस्टर्स थे वो इंडियंस थे, तो जिसकी वजह से अभी तक भी वो वहां पर हिंदी बोलते हैं। लो जी पहुंच चुके हैं घर पे, उसी लगे हुए हैं। अभी रात के पूरे 12:03 हुए हैं और आज है यहाँ पर करवा चौथ, मतलब करवा चौथ खत्म हो चुका है लेकिन अभी तक भी यहाँ पर चांद नहीं निकला। आपको पता है करवा चौथ है तो वर्ष तो तभी टूटेगा जब चांद निकलेगा, लेकिन न्यूजीलैंड में 12:03 हो गए हैं अभी तक चांद नहीं निकला। जो टाइमिंग थी ना चांद निकलने की वो थी 11:45 की। तो देखो अभी रात के 12:11 हो गए हैं और हम चंद्रमा ढूंढने के लिए आए हैं यहाँ पर। न्यूजीलैंड में चांद ही नहीं निकलता, इसने पिछले 9 सालों में यहाँ पर कभी करवा चौथ वाले दिन चांद नहीं देखा, लेकिन आज फाइनली मौसम क्लियर है और तारे निकले हुए हैं तो हमें होप पूरी है कि चांद निकलेगा गली में आज और वो सामने दिख भी रहा है। देखो दिखता भैया चंद्रमा, एक मिनट मैंने भी दिखा, ओ वो रहा चंदा मामा, ये रहा एयरपोर्ट वो चले गए हैं। तो आपको पता है जब कोई चला जाता है घर से तो मन बिल्कुल नहीं लगता, भले ही मेरे 2 दिन ही रहते हैं यहाँ पर, मैं भी निकल जाऊंगा, लेकिन फिर भी आज पूरा दिन मन नहीं लगा घर पे। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जो मैंने शुरू किया था कल क्राइम वाला, ठीक है, कि यहाँ पर क्राइम कितना है। तो मेरे ब्रदर के यहाँ पर काफी फ्रेंड्स रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था एक इंसिडेंट जो हुआ उसकी, एक बंदे की यहाँ बाहर से गाड़ी चोरी हो गई और दूसरी बार उसकी गाड़ी पांच छह बार उसकी गाड़ी घर के बाहर से आकर तोड़कर चले गए। ये तो हो गई इनकी बात, लेकिन और बहुत कुछ होता है। जैसे कि ना यहाँ पर यहीं पे कहीं पास में एक इंडियन स्टोर है, अभी कुछ ही दिन पहले क्या हुआ, यहाँ से हम सामान वगैरह लेने के लिए जाते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले क्या हुआ, मेरा भाई वहां सामान लेने के लिए गया सुबह, और सुबह पता चला कि वहां पर जो इंडियन स्टोर की जो भी बाहर विंडोज वगैरह लगी हुई थी, जो भी पूरा स्टोर था ना, बाहर से तोड़कर अच्छे से तोड़कर चले गए। इसकी वजह से ना यहाँ पर हर कोई अपने स्टोर में बहुत सारी सेफ्टी रखता है और अपने ग्रिल्स वगैरह लगा कर रखते हैं, मतलब जैसे हमारे इंडिया में नहीं होता, जैसे ठेकों के बाहर ग्रिल्स वगैरह लगी होती है ना, ऐसे ग्रिल वगैरह लगा के रखते हैं ताकि अगर कोई चोरी कर भी ले, अगर शटर तोड़ भी दे ताकि अंदर ना जा सके, तो स्टोर के अंदर तो वो नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने बाहर से सारा का सारा स्टोर तोड़ दिया। अब ये तो सिर्फ उसकी बात है ना, तो आप सोचोगे कि चलो कभी कहीं हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी के साथ एक ठेका है, यहाँ पे दारू मिलती है, ठीक है। अभी कुछ ही महीने पहले कोई आया
अब वो भी लूटने के लिए आए थे मे भी, लेकिन वो आए, उन्होंने आकर गाड़ी ही ठेके के अंदर सीधी गाड़ी लेकर आए और ठेके के अंदर ले गए, आकर जोर से लेकर आए और ठेके के अंदर गाड़ी चलेगी, मतलब सारा दरवाजा वगैरह था जो भी उसका था सारा टूट गया और अंदर तक गाड़ी चली गई, सारा ठेका उनका तोड़ दिया उन्होंने, सारा जो भी लिकर स्टोर था वो सारा का सारा तोड़ दिया। क्राइम के हिसाब से अगर इंटरनेट पर देखे तो वो तो कहते हैं कि दिस इज द सेकंड सेफेस्ट कंट्री, लेकिन अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है सिटी में तो फिर मुझे समझ नहीं आता तो फिर सेफ कैसे हुई। सेफ्टी है लेकिन स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत आते हैं सिटी के अंदर, आप जाओगे सिटी में आपको बहुत भीड़ मिलेगी लेकिन इस तरफ थोड़ी कम भीड़ मिलती है। चलो दुकानें तो लूटते ही लूटते हैं लेकिन घर लूटने के लिए भी आते हैं। कुछ ही दिन पहले एक और बात मुझे पता चली कि यहाँ पर कहीं एक शॉप है तो वहां पर लूटने के लिए आए वो दुकान वगैरह, और दुकान तो लूटने के लिए आए आए साथ में जो बंदा वहां पर काम करता है उसको मार कर भी जाते हैं, पीट कर भी जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं जान से मार देते हैं लेकिन उसको पीट कर जाते हैं, पता नहीं क्यों उसको पकड़ेंगे मारेंगे, अगर आगे से कोई थोड़ा सा भी उनसे लड़ने की कोशिश करेगा ना तो फिर वो उसको मारते हैं अच्छे से। मेरे भाई का फ्रेंड है, उसी की आगे कोई कलीग वगैरह थी, उसने बताया कि वो घर में रह रही थी, कोई घर लूटने के लिए आया और उसने उनसे उनको रोकने की कोशिश की और वो उसको पीट कर चले गए, उन्होंने घर तो लूटा ही लूटा और साथ में उसको भी पीट दिया और उसके चोटे वगैरह लगी, काफी उसको बाद में हॉस्पिटल में जाना पड़ा और ऐसा काफी कुछ होता है यहाँ पर, सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ, कहते हैं ये सब यहाँ पर नॉर्मल है, ऐसे आते हैं घर पे वो पीट कर चले जाते हैं लोगों को, तो ये बात मुझे समझ नहीं आई यार क्या होता है यहाँ पर। तो ये सारी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये गूगल पर पढ़ के नहीं बता रहा, ये सारी बातें मैं आपको सुनकर बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर सुना है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक यहाँ पर। लेकिन ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये सारी बातें मुझे सुनने में मिली है यहाँ पर। अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ पर न्यूजीलैंड में ऑलरेडी हो तो फिर कमेंट करके नीचे बताना आपको कितनी सेफ कंट्री लगी, लेकिन मैं बाहर घूमने के लिए गया मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, और ऊपर दूसरी बात मैं वहाँ यहाँ पर घर में भी मुझे ऐसा कुछ आसपास कुछ नहीं दिखा कि कुछ ऐसे सेफ्टी के इशू वगैरह है, या फिर जब हम सिटी वगैरह जाते हैं जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो भी मुझे बिल्कुल सेफ लगा, मैंने ट्रेन वगैरह भी यूज़ करके देखी मुझे बिल्कुल सेफ लगी, और यहाँ तक कि अगर आप किसी मॉल वगैरह में भी जाते हो वहाँ पर आपको सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। तो बस फिर आज के ब्लॉग में मैंने आपको यही सब बताना था, तो ओवरऑल रहने के लिए कंट्री बहुत बढ़िया है, दिस इज़ अ काम कंट्री और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी वगैरह भी मिलेगी, लेकिन ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो कि आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, जो कि सिर्फ यहाँ पर पता चलता है, सुनने में पता चलता है, फिर आप बता सकते हो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ स्टूडेंट भी जाना चाहते हो, अपनी लाइफ सेट करने के लिए आना चाहते हो तो फिर आ सकते हो, मुझे उस हिसाब से कंट्री काफ़ी बढ़िया लगी, स्पेशली अगर आप यहाँ पर एक पीसफुल सी लाइफ जीना चाहते हो ना और आपको लैंडस्केप पसंद है, आप उस हिसाब से कंट्री काफ़ी बढ़िया है।